लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों को दो वक्त की रोटी की चिंता सता रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों गरीब परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लाखों परिवारों को इसका लाभ मिला है। सिरमौर जिले के लाभार्थियों ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। हमें चावल मिले और काला चना भी मिला है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने जो बीपीएल परिवार वालों को 5 किलो चावल और चने दिया है, वो उसके लिए हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार द्वारा एक बहुत ही अहम स्कीम चलाई गई है, जिसमें जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। हमीरपुर जिले के किसानों का कहना है कि योजना के तहत मिली अग्रिम किश्त से बीज इत्यादि खरीदने में मदद मिली है। लॉकडाउन में हमें तो कोई और सहारा नहीं था, मगर जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, इससे हमें बहुत लाभ मिला, जिससे कि हमारी जो फसलों का थोड़ा बहुत ट्रैक्टर का या इसका जो काम था वो चल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। अभी आजकल बेरोजगार हैं, कामकार कोई है नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं पूरा परिवार। बच्चे भी बेरोजगार हैं, सभी बेरोजगार हैं। तो हमें ये 2000 रुपया जो मिला, हम उससे थोड़ा बहुत सहारा हमें मिला है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सम्मान निधि से जो 2000 रुपये मोदी जी ने हमारे खाते में डाले हैं, कोरोना के इस ऐसे हालात में हमारे घर का खर्चा करने का कोई भी साधन नहीं था, तो उसमें से हमने अपना रोजी रोटी का खर्चा चलाया। इससे हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अन्न योजना और किसान सम्मान निधि योजना गरीब परिवारों के चेहरों पर राहत की मुस्कान लेकर आई है। डीडी न्यूज के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर और हमीरपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।